नमस्कार। तो पहले एपिसोड में हमने ये देखा कि बहिर्गमन के बदले अंतर्नियोजन, अंदर की ओर देखना पड़ेगा। ये अंदर क्या है? तो देखने वाले की ओर देखना। अब देखिए, मजेदार बात यह है कि मन से ही सब कुछ करते हो और मन को देखने की कला, ये कैसे हो गया? जैसे मैंने कल्पना सोची कि मैं कैसे इसको समझाऊं, तो आप सॉकेट के बारे में कल्पना कीजिए जिसमें प्लग करते हैं कोई भी इलेक्ट्रिकल सामान। एक बल्ब ले लीजिए, बल्ब के पीछे वायर है और वायर अपने सॉकेट में डाल दिया तो बल्ब ग्लो हो गया। अब बल्ब के मन में ऐसा हो कि मैं जरा समझूं कि ये मैं कैसे प्रकाशित हो रहा हूं, तो जैसे वो सॉकेट में से अपने छेवर को खींचने की कोशिश करेगा तो इमीडिएटली वो बंद हो जाएगा। तो बल्ब को कैसे देखना होगा? बल्ब चालू रहे और सॉकेट के ऊपर ध्यान जाए। आपको पकड़ में आ रहा है? सॉकेट यानी प्लग पॉइंट, तीन बिंदु होते हैं। चलो मैं मेरा कंप्यूटर का निकाल के दिखाता हूं। ये जो है ये प्लग है, इस प्लग को जिसमें घुसेड़ते हैं उसकी बात कर रहा हूं। ये प्लग है और वो सॉकेट है। तो यहां बल्ब ग्लो हो रहा है, ये बल्ब के अंदर जान आ जाए और ये सोचे कि मैं जो ग्लो हो रहा हूं मेरा सोर्स कहाँ है, तो इसको जैसे वो खींच लेगा तो बल्ब बंद हो जाएगा। तो मतलब कि इसको यहां रहते हुए ही अपने सोर्स को देखना पड़ेगा। अब बल्ब में कोई जान नहीं है, ये तो मैं केवल कल्पना कह रहा हूं आपको। तो बल्ब ग्लो होते होते ही अपने पूरे फैलाव को देखे, ऐसे ही मन को मन के द्वारा देखना है। कितनों को कम से कम उपमा समझ में आ रही है? बिल्कुल नहीं, मुश्किल यही है। क्या करें, मामला मन का है और मन को मन से ही समझना है। देखिए, और सभी चीजों में क्या होता है कि हम साधनों के द्वारा किसी दूसरी चीज को देखते हैं। मैं कुंजल बेन को समझाता हूं। आपको बैक्टीरिया की स्लाइड जो बनी है उसको देखना है तो आप क्या करोगे? माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे? तो आप हो और माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप की वजह से आप बैक्टीरिया देख रहे हो। अभी आपका मन हो गया कि वशिष्ठ अरुंधति को देखते हैं आसमान में, सितारों को। अब आप हो, वशिष्ठ अरुंधति है और बीच में चाहिए टेलीस्कोप। ठीक हो गया? डॉक्टर नितिन जो है मैट्रिकॉन से, वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारे हार्ट बीट को देखना है। तो डॉक्टर नितिन है, मेरे हार्ट बीट है, बीच में लग जाएगा स्टेथोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप से हम पदार्थों को देखते हैं, स्टेथोस्कोप से हम कोई जिंदा इंसान के हार्ट बीट को देखते हैं, और आज शाम को 4 बजे मैंने ढूंढा है, मनोस्कोप से हम मन को देखते हैं। मन से ही मन को देखना है। तो पहले इतना समझ में आ जाए कि जिसको देखना है उसको देखने का साधन भी वो खुद ही है। अब इसको समझाने के लिए एक और उपमा, आप अपने हाथों को देखिए। ये हाथ भी आप ही है, देखने वाले भी आप ही है, शरीर के स्तर से। हाँ या ना? आप अपने हाथ को देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? हाथ को देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। चलो मैं मन को दिखाता हूं, मैं चुप हो जाता हूं। देखिए अपने अंदर क्या चल रहा है। कुछ चल रहा है कि नहीं पहले तो ये बताइए। कुछ अंदर आवाज चल रही है कि नहीं, और ये चलती हुई आवाज आप देख पाए कि नहीं? तो देखना क्या है एक्चुअली?
जो भी हो रहा है उसको बिल्कुल साक्षी, एक दृष्टा, ऑब्जर्वर की तरह। तो जैसे हम बोलना बंद करते हैं फिर भी अंदर तो चल ही रहा है, ये जो कंटिन्यूअस अंदर चल रहा है, इसको एक लैंग्वेज में लिटिल वॉइस बोलते हैं, कोई उसको मोनोलॉग बोलते हैं, कि मन के अंदर चलने वाले संवाद। पर मन के अंदर केवल बातें ही नहीं चल रही, बहुत सारे दृश्य भी चल रहे, पिक्चर्स भी चल रहे, देखिए ध्वनियां भी चल रही है, खुद की बोली हुई या किसी और के द्वारा बोली हुई भी, ये आपके ध्यान में आ रहा है। चलिए मैं आपको कुछ सुनाता हूं, जब मैं आपको सुनाऊं तो मन के अंदर जो चल रहा है उसको पकड़ने की चेष्टा करेंगे। कितनों को मन में चलती हुई चीज दिखाई दी? ओके विनोदा, बताओ आपको क्या सुनाई दिया? सुनाई दिया कि दिखाई दिया, वो भी दोनों चीज एक ही है, एक तो देखना हमारे ही। पापा का चेहरा क्योंकि वो ऐसे गाने सुनते हैं, और दूसरा दो लोग ऐसे क्या बोलते हो, फ्लावर की वैली होती है ना, उसमें नाच रहे तो तुम्हें विजुअल्स कुछ दिखाई दिए, और भी किसी ने हाथ ऊपर किया था? क्या देखा या क्या सुना? हाँ जी मृगेश। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल हतु पण हूँ साथे साथे वर्डिंग साथे अंदर उतरी गयो हतो आखो। क्या वर्ड थे? ये रात भीगी भीगी, ये मस्त समय, वो चांद भीगा भीगा। अब बताइए, आ रहा है दुनिया में से केवल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पर क्योंकि आपके अंदर पहले से ये गाने की रिकॉर्डिंग बनी हुई है, अब आप इस म्यूजिकल नोट को नहीं सुन रहे हैं, आप अपने अंदर से वो उस गाने को बोल रहे या गा रहे या सुन रहे, इसीलिए आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को तो केवल ट्रिगर के स्वरूप में लेते हैं, इसको आप नहीं सुन रहे। आई एम रिपीटिंग इट, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजता जाता है आप लगातार मैच कर रहे हैं, ये रात भीगी भीगी, आगे पीछे भी नहीं होते, बिल्कुल उसके साथ मैच कर रहे हैं। और एक आध शब्द चूक भी गए तो फिर चक्कर चल जाता है, गाना तो कहीं पहुंच जाता है लेकिन आप अभी अंदर उलझ रहे, कौन सा शब्द था, ये रात भीगी भीगी या रात समा क्या था। नाउ यू हैव टोटली डिफरेंट डायलेमा इन डायलेमा। और अगर पकड़ में भी आ गया और कहीं से किसी ने बोल दिया, असु सांभळे जे मे बी ए ट्रिगर, क्योंकि अगर उस व्यक्ति को आपके गानों के प्रति चीड़ है तो अब वो पूरा का पूरा वो चीड़ वाला मामला भी इसी समय निकल आएगा, जबकि बाहर तो केवल म्यूजिकल नोट्स आ रही है। जिसको समझ में आ रहा हो हाथ ऊपर करो। बहुत बढ़िया। तो हाँ, सामने जो है उसको हम कहाँ देखते हैं? हमने तो जो पहले से देखने का सामान इकट्ठा कर रखा है, सामने से तो जो आ रहा है वो तो केवल टॉर्च की तरह काम कर रहा है। आप अपने गोडाउन के ऊपर बाहर की दुनिया की टॉर्च लगा के गोडाउन का सामान ढूंढते हैं। अर्जुन क्या कहता है कृष्ण को, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाते ताकि मैं देख लूं मेरे साथ लड़ने के लिए कौन आए।
राइट, मैंने उस समय समझाया था बाहर की ओर दृष्टि। दूसरे एपिसोड में हमने देखा सुख दुखे समय कृत्वा लाभो लाभो जया जय। मैंने बीच में आपको यह समझाया था कि अलग अलग भूमिकाओं में प्रिय और अप्रिय का खेल चलता रहता है, और वो प्रिय और अप्रिय का खेल जुड़ा है अपने सुख दुख से, लाभ हानि से, जय पराजय से, इसी के साथ ही जुड़ा है। रसगुल्ला चाहिए मिल गया, क्या प्रॉब्लम है, मजा ही मजा। रसगुल्ला चाहिए नहीं मिला, शुरू रोना। अब कौन तय करेगा कि तुमको रसगुल्ला चाहिए और तुम्हें मिल ही जाएगा? भाई चाहने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिलने में प्रॉब्लम है। अब ये हम भूल जाते हैं कि चाहने वाले भी हम हैं, और मिलता है तो खुश होने वाले भी हम हैं, नहीं मिलता है तो रोने वाले भी हम हैं। लेकिन चाहने की जगह हमें ये नहीं मालूम कि हम जितना चाहते इतना नहीं हो सकता। तो देखिए हम चाहते क्या है, बाहर जैसे म्यूजिक आता है हम इमीडिएटली वैलिडेट करते हैं, हाँ मुझे आता है, आई नो। अंदर कहीं से फुदुक फुदुक के वो बाहर निकलता है। एक गाना और सुनाता हूं, अपने आप को पकड़िए। जब म्यूजिकल नोट्स आए तो आपके अंदर क्या हो रहा है, चाहो तो आंखें बंद करके सुनो और सुनो ध्यान से। आया पकड़ में, बाहर कुछ भी बजता हो अंदर कुछ बजने लगता ही है। अब मजेदार बात, इस पूरे सभा के अंदर कुछ यंगस्टर भी है जिन्होंने ये गाना कभी नहीं सुना, उनके लिए वो केवल म्यूजिक है। मतलब के उनके पास इसको देखने का और कोई स्कोप नहीं है। अब जो पहले से इकट्ठा कर रखा है उसको ही कहते हैं हैबिट्स, उसी को कहते हैं कंडीशनिंग, उसी को कहते हैं संस्कार, उसी को कहते हैं हमारा देखने का नजरिया। और ये नजरिया हमने ही डिफाइन किया है, इसलिए हम चाहे तो बदल सकते हैं। आप अहमदाबाद में पैदा हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, और बड़ा जंप लगाते हैं। आप किसी संस्कारी घर में पैदा हो उससे भी फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे भी घरों में पैदा हुए हो, किसी भी स्कूल में पैदा हुए, गए हुए हो, आपका ध्यान कहाँ है उस पर ही सब कुछ फर्क पड़ता है। और ध्यान करने में संस्कार का पक्ष बड़ा काम करता है, पर अगर संस्कार पर भी ध्यान चला जाए कि मैं कहाँ से ऑपरेट होता हूं, अगर वहां ध्यान जाए तो संस्कार को भी ऑल्टर किया जा सकता है। और ऑल्टर मतलब भूतकाल की सूचना रहती है, ग्रीप नहीं रहती। यू आर इन्फॉर्म बाय द पास्ट, नॉट ड्रीवन बाय द पास्ट। तो भूतकाल में जितना संस्कार इकट्ठा हुआ है, यहां संस्कार शब्द से विनोदा भारी तो नहीं पड़ रहा है ना। संस्कार का मतलब पहले से स्लेट के अंदर जो लिख के आए। तो बचपन में छोटे थे तो माता पिता कुछ बोले, स्कूल में टीचर कुछ बोले, वो लिखते चले गए, वो जो लिखा है वो देखा नहीं, और जो अंदर से लिखा है उससे ही अब दुनिया को देख रहे हैं। यहां गड़बड़ी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबने अलग अलग लिखा है तो अलग अलग ही देखेंगे, वैसे तो अलग अलग ही देखेंगे, पर ध्यान चला जाए कि मैं देखता कहां से हूं तो बदल सकता है। जैसे मान लीजिए मैं कोई ऐसे घर में पैदा हुआ हूं जिसके पिता का नाम घरफोड़ चोरी करना, राइट, नाम भी और काम भी घरफोड़ चोर, घरफोड़ चोरी, तो बचपन में से मैं कौन सी कला सीखूंगा कि भी कितने कम समय में अंधेरे में किसी के घरों को तोड़ते हैं। यही स्टोरी सुनूंगा, और पिताजी ने प्रोत्साहन भी दे दिया कि चलो भाई आप 18 साल के हो गए हो, लो ये सरिया उठाओ, आज रात साथ में आना, आज देखना, आज तुम्हें कुछ करना नहीं है, भागने की नौबत आए तो तुम जल्दी भाग जाना, हम तो जरा से भाग जाएंगे। अब देखिए पिताजी अंदर चोरी करने घुसे हैं,
और मैं बाहर हूं और मेरा उस समय ध्यान चला जाए अपने पर कि ये क्या कर रहे हैं, कोई लोग सो रहे हैं, मेरे पिताजी इसका घर तोड़ रहे हैं। बस एक बार ध्यान जाने भर की बात है, केवल एक बार, क्योंकि अंदर से जो स्पष्टता होती है वो गलत चीज को स्वीकारती नहीं। इसीलिए कहते हैं कि आत्मा की रोशनी के अंदर मन के खेल पकड़ में आते हैं, क्योंकि आत्मा के अंदर कुछ कचरा जाता नहीं। अब यहां आत्मा को ना समझे तो केवल देखने भर को समझे, देखने से मालूम पड़ता है सही क्या है सही क्या नहीं। तो देखने से मालूम पड़ता है, तो देखने का स्टेथोस्कोप है, और स्टेथोस्कोप से मैं आसमान में वशिष्ठ अरुंधति देख रहा हूं, दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। तो मैं क्या कहूंगा, आसमान में कोई वशिष्ठ अरुंधति नहीं है। बस ऐसे ही दुनिया चलती है, क्योंकि हमारे देखने का नजरिया कुछ है, दुनिया कुछ और है। जब ये पकड़ में आ जाए कि वशिष्ठ अरुंधति को देखने के लिए टेलीस्कोप वाला नजरिया चाहिए तो उठाओ टेलीस्कोप, किसी की धड़कन को नापनी है तो स्टेथोस्कोप चाहिए तो उठाओ तो स्टेथोस्कोप। और मैं स्टेथोस्कोप नहीं हूं, मैं टेलीस्कोप नहीं हूं, ये सब तो मेरे साधन है, मैं जब चाहूं तब वो स्कोप उठा सकता हूं। इतना अगर आपको पकड़ में आता है तो आपको ये समझ में आने लगा कि मन नाचता है तो हम नाचते हैं या हम मन को नचाते हैं। जिनको थोड़ा भी भारी पड़ रहा हो कोई बात नहीं, ये क्षेत्र ऐसा ही है, इतना सरलता से उचर जाता तो भगवत गीता पर मन की स्पेशल सीरीज थोड़ी करनी पड़ती। एक श्लोक समझाया था, मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। मैं और भी बता दूं, मैं बोलूं और मैं समझा सकूं उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मेरा भी मन पर 100% नियंत्रण आ जाए। इसका केवल मतलब यह है कि चाबी हाथ में आ गई लेकिन ताले में घुमाना तो पड़ेगा ना, नहीं तो ताला अपने आप थोड़े खुलेगा, और जितनी बार घुमाएंगे उतनी बार ही ताला खुलेगा। अगर आपने ताला बंद करके रखा है तो घुमाएंगे तभी खुलेगा। और एक दिन आपको ये पकड़ में आ जाए कि अब हमेशा के लिए ताला खुला रखना है तो फिर आप चाबी फेंक दो और ताला फेंक दो। ताला भी मैं, चाबी भी मैं, ताला बंद होने की टेक्निक भी मैं, उसको घुमाने की टेक्निक भी मैं, ताला मारने वाला भी मैं, ताला खोलने वाला भी मैं। अब कैसी कैसी कल्पना है, ताला भी मैं, चाबी भी मैं, ताला मारने वाला भी मैं, ताला खोलने वाला भी मैं, ताला बंद होने की टेक्निक भी मैं, और ताला खुलने की टेक्निक भी मैं, ये सब कुछ मैं है, और ये इस मैं का नाम है मन। इसीलिए अमृत बिंदु उपनिषद में ये कहा गया, मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। अब मनुष्य शब्द को देखे या मानव शब्द को देखे, उस शब्द के अंदर ही है मन, मन है तो मानव है। अब मैं एक चित्र दिखाता हूं, आप इस चित्र को देखिए और अपने आप को पकड़िए कि मन के अंदर आप कैसे चीजों को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये बिल्कुल सिंपल डायग्राम है, पर ये डायग्राम से आपको पकड़ में आ जाएगा। इस चित्र को ध्यान से देखिए, अगर आपको ऊपर वाली रेखा छोटी और नीचे वाली रेखा बड़ी दिख रही है तो ये केवल आपकी दृष्टि का भ्रम है। अब इस चित्र को देखिए, आपको एक पिरामिड शेप का ट्रायंगल और एक इन्वर्टेड ट्रायंगल दिख रहा है, तो मैं आपको बता दूं यहां कोई ट्रायंगल भी नहीं है, यहां केवल एंगल वाली रेखाएं हैं, यहां तीन सर्कल भी नहीं है, यहां केवल ऐसा शेप है जो सर्कल जैसा दिखता है, हकी है नहीं। कितनों को ये उदाहरण समझ में आया? अब जिनको ये डाउट पड़ रहा है कि ट्रायंगल है नहीं, ना बिल्कुल ट्रायंगल नहीं है, ये ट्रायंगल आपके मन के अंदर का कंस्ट्रक्शन है। मुझे लगता है मैंने आपको विविध उदाहरण बताए, कुत्ते का उदाहरण दिया, मैंने गाना सुनाया ध्वनि का, और मैंने शेप भी दिखाए। तो कोई भी विजुअल्स होते हैं उसके अंदर से हम बाकी के रंग हम भरते हैं, संबंध को हम जोड़ते हैं। मैं रिपीट करता हूं स्टेटमेंट को, दुनिया जैसी है वैसी नहीं, उसके अंदर रंगों को हम भरते हैं, शेप को हम भरते हैं, आवाज को हम भरते हैं,
कैसे भरते हैं? जैसे हमने पहले से इकट्ठा किया है, और ये हमने इकट्ठा किया ये हम भूल चुके हैं, और हम लगातार इसको इकट्ठा कर रहे हैं ये भी भूल जाते हैं। तो लगातार सामान इकट्ठा होता रहता है, और जितना इकट्ठा होता है उससे ही देखते हैं। एक और उदाहरण दिखाता हूं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण है। नितिन भाई एक बार अपने बरंडा में बैठे थे, तो उन्होंने नीम का पेड़ देखा। अब धीरे से नितिन भाई के पीछे सुरेश भाई थे, उन्होंने क्या करा, वो जिस वरंदा में बैठे थे ना, वो टाइल्स के नीचे एक यांत्रिक रचना थी कि इनकी पालटी मारने के बाद इनको नहीं मालूम, तो सुरेश भाई पीछे से स्क्रू घुमाते हैं तो पूरा का पूरा वो प्लेटफॉर्म ऊपर उठता है। नितिन भाई को नहीं मालूम, पर अब वो नीम के पेड़ के ऊपर कौवे का घोंसला भी देख रहे, और प्लेटफॉर्म ऊपर उठा, अब उनको 50 एक पेड़ के टोच दिख रही है, और प्लेटफॉर्म ऊपर उठा, अब उनको पूरा गांधीनगर का ग्रीन एरिया दिख रहा है। अब वो वहां से क्या बोलते हैं, अहमदाबाद वाले एकदम बोगस लोग हैं, पेड़ लगाते ही नहीं, ये गांधीनगर वाले कितना बढ़िया है, कितना हरा हरा कर दिया। देखिए केवल उनके देखने की दृष्टि का लेवल बदला, पहले भी अहमदाबाद जैसा था वैसा ही था, गांधीनगर भी जैसा था वैसा ही था, लेकिन क्योंकि अब इनका देखने का नजरिया बदला है, अब उनको कुछ नया दिखने लगता है। ये फिजिकल समझ में आ रहा है, ये फिजिकल समझ में आया, आंखों से दृष्टिबिंद। तो आपके इतना क्लियर हो गया सबको कि आपके मन के अंदर जितना जितना इकट्ठा होता है इंफॉर्मेशन, उसके अनुरूप आप दुनिया के सामने पेश करते हो। हाँ, और आप लगेगा कि ऐसा ही करना पड़ेगा, ना ऐसा नहीं है। लास्ट वीक न्यूज़पेपर में आया है, एक वकील ने चालू कोर्ट में जज को गालियां दी। देखिए फ्रीडम तो है ही, पर हम भयवश उस फ्रीडम को एक्सरसाइज नहीं कर रहे, क्योंकि हमें डर लग रहा है, हम कंसेक्वेंसेस के लिए तैयार नहीं है। भय की वजह से हम अलग अलग तरीके से पेश आते हैं। आपके सामने काम इकट्ठा हो गया तो क्या भय लगता है, ये काम पूरा नहीं होएगा, और पूरा हो गया तो ठीक नहीं होएगा, और ठीक हो गया तो मेरे टीचर को अच्छा नहीं लगेगा, मेरे टीचर को अच्छा लगेगा तो काम में दम नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगेगा। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अलग 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 अर्थघटन करते रहते हैं अपने काम को देखने के लिए, चूक जाते हैं कि 24 घंटे में इतना ही हो सकता है, इससे अधिक कुछ नहीं हो सकता। अब देखिए कुछ एक सवाल आया है, एक सवाल मैं ले लेता हूं। एक सवाल ऐसा आया है कि आपने भूमिकाओं की बात की थी, तो मैं जब अपना भोजन बनाता हूं तो कौन सी भूमिका है मेरी? भाई भोजन बनाते हो खुद के खाने के लिए बनाओ, किसी और के खाने के लिए बनाओ, भोजन बनाना वो कुक की भूमिका है, कुकिंग की भूमिका है, कुक। इसीलिए अगर कुकिंग की भूमिका ठीक तरह से नहीं निभाओगे, मैं जब हॉलैंड में पढ़ता था, खिचड़ी बनाने जाता था, कुकर में 3 के बदले 10 सीटियां बच जाती थी, उसके बाद कुकर खोलता तो उसके अंदर से पूरा पानी उड़ गया होता था, और खिचड़ी इतनी खतरनाक बन जाती, ऐसे पौवा तो बिल्कुल पोपड़ी बन जाते। तो मैंने तय कर दिया अपने को कुक की भूमिका आती नहीं है, छोड़ो। तो मैंने तो बिल्कुल योग की शरण ली, 13 मंजिले फ्लोर था मेरा, नीचे से ऊपर तक 13 मंजिला सीढ़ियां चढ़ना ताकि कड़ाके की भूख लगे, और इंस्टीट्यूट से हॉस्टल आते समय बीच में सब्जी मंडी आती थी, वहां से कद्दू ककड़ी टमाटर जो जो ऐसी चीज जो डायरेक्ट रो खा सके, ऐसी रो खा नहीं, चॉकलेट्स मिल्क और नट्स। अब देखिए 13 मंजिला चढ़ के कोई जाएगा और इतना साइकिल चल के जाएगा तो भूख तो लगेगी, वहां फिर नखरे कहां से चलेंगे, जो भी है खा लो और खा के काम खत्म, फिर स्टडी चालू। बीच बीच में जब जब मन पड़े दूध खा लिया, आइसक्रीम खा लिया, नट खा लिए, ऐसे करके मैंने मेरा स्टडी पूरा किया। स्टडी में अव्वल नंबर आए, लेकिन दांतों को खराब कर डाला, क्योंकि आप चॉकलेट खा के 6 घंटा एनोक्सिक कंडीशन में मुंह बंद करके बैठे हो तो वहां तो अपना एसिड काम करेगा ही। तो मेरे को समझ में आ गया कि मुझे कुक की भूमिका ठीक नहीं आती। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं चाहूं तो कुक ना बन सकूं, ये स्वतंत्रता तो अकमंत्र है ही। तो आपको भूमिका समझ में आ गई, कुकिंग की भूमिका है।
तो चलो लर्निंग पॉइंट हो जाए। अभी तक मैंने जितनी बात की इसका पूरा सार मैंने आपके लिए पीपीटी बना के तैयार रखा आज, कि कहाँ की आपकी फसावट मन की कहाँ है पकड़ में आ जाए। देखिए इतना मामला है, जो बात हुई थी भूमिका, भूमिका यानी रोल, तो आप सुबह से शाम तक जो जो काम करते हैं उस काम का नाम ही है रोल अथवा भूमिका। मैंने शब्द डिफाइन किए हैं। तो जैसे पिता क्या करते हैं, भाई नौकरी करने जाते हैं, पैसे कमाते हैं। माता क्या करती है, तो भोजन बनाती है। ये मैं जब बोलूं इसको रोल रिवर्सल में से भी देख सकते हैं, कई जगह दोनों भी काम करते होते हैं। तो फिर पति क्या करते हैं, पुत्र, भाई, मित्र, ग्राहक, ये सब अलग अलग रोल्स है और हर एक रोल के साथ कुछ कुछ काम जुड़े हैं। अभी व्यवसाय में देखिए, दर्दी, डॉक्टर, श्रमिक, इंजीनियर, क्लर्क, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आईएएस, आईपीएस, कंपनी सेक्रेटरी, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब मल्टीपल प्रोफेशनल रोल्स है। अब हर एक रोल में होता क्या है, देखिए मैंने गुजराती में स्लाइड पहले बनाई थी, अभी हिंदी में बोलूंगा। हमने जो निश्चय किया है वो कार्य हमसे ना हो और किसी और से भी ना हो, जो परिणाम हमने चाहा था वो हमारे द्वारा ना मिले, किसी और के द्वारा भी ना मिले। हमने जो चाहा था कि आज तो मैं 4 से 6 बैठ जाऊंगा पढ़ने, मैं बैठ ना पाऊं, और किसी को कहा था मेरे लिए ब्लेड लेके आना, अब वो ब्लेड लेके नहीं आया, तो हमारे द्वारा निश्चित वर्तन ना हो, बिहेवियर ना हो, खुद कोई भी अलग व्यक्ति के द्वारा भी ना हो। तो ये पूरा दायरा मैंने जो मान रखा है उसका है। अब देखिए दूसरा देखते हैं, हमने जो मान रखा ना हो ऐसा हमसे हो जाए गलतियां, हमने सोचा भी ना हो ऐसा कार्य अन्य को कर डाले, हमने अपेक्षा ना रखी हो ऐसे परिणाम हमसे हो जाए या किसी और से आ जाए, हमने एक्सपेक्ट ना किया हो ऐसा कोई बिहेवियर हमसे हो जाए या किसी और से हो जाए। तो किसी हमसे या किसी और से, टास्क, रिजल्ट, बिहेवियर, ये दोनों साइड बारी बारी देखो, 3 कंपोनेंट है, टास्क, रिजल्ट, बिहेवियर, टास्क, रिजल्ट, बिहेवियर। कैटेगरिकली हमने जो चाहा है वो हो जाए और होता ही रहे, तो हमारे अंदर जो अपनी रेफरेंस फ्रेम बनती है उसका नाम है राग, अटैचमेंट। क्योंकि हमसे हुआ ना, रजनीकांत भाई क्लास 1 में बैठे तो उसमें 100 में से 100 मार्क लाए, क्लास 2 में बैठे 100 में से 100, अब तीसरी क्लास में पापा बोले देखो रजनीकांत 100 में से 100 लाना है, अब रजनीकांत भी दम लगा के 100 में से 100 ला लिए, चौथी कक्षा में 90 आए, अब डांट पड़नी शुरू हुई, पहले से 3 तक तो कितना बढ़िया स्टडी करता था, अब तो देखो उत्पल उसका दोस्त बना है, तब से ये गड़बड़ी है, अब उत्पल के साथ मत खेलना। तो अब रजनी भाई मन के अंदर एक गांठ बनाते हैं कि उत्पल के साथ खेलने से मेरे मार्क कम आए, अथवा पप्पा को उत्पल पसंद नहीं है, इस दो में से कोई भी एक गांठ बन जाएगी। अब आगे जो भी रिजल्ट आए, लेकिन अगर ये बन गई ना, तो बड़े होते होते पप्पा के साथ ये रहेगा कि पप्पा ने मेरे दोस्त के साथ मुझे खेलने नहीं दिया। चैन से हमको कभी उन्हें तो हमें जीने ना दिया, जहर भी चाह हरदम पीने तो पीने ना दिया। ये गाने आते कहां से? ये गाने ऐसे आते हैं कि ऐसे संस्कार बने पड़े कि तूने ही ऐसा कर डाला। ये मैं सुरेश पटेल की खुद की बात कर रहा हूं, लेकिन मैंने उदाहरण ट्विस्ट किया, अब मैं मेरी खुद की बात करता हूं। 8वीं कक्षा म्यूजिक क्लास मॉर्निंग में ज्वाइन किया, इवनिंग में चित्रकाम का क्लास ज्वाइन किया। पप्पा ने कहा बेटा ये नहीं करना है तुम्हें, क्योंकि मैं अमरेली में था अपने मामा के घर, पापा अहमदाबाद में थे, माता जी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो एक साल अपने पियर यानी ननिहाल में, वो एक साल में 1 से 7वीं कक्षा तक हमेशा क्लास में फर्स्ट आया, 8वीं कक्षा में भी इस नई स्कूल में नए शहर में भी फर्स्ट आया, फिर भी 3 महीने के बाद पिताजी ने ये कह दिया, मैंने छोड़ दिया, पिताजी की आज्ञा मान ली, 8वीं कक्षा पूरी हो गई, 9वीं हो गई, 10वीं हो गई, 11वीं हो गई, 12वीं हो गई,
जैसे इंजीनियरिंग में एडमिशन होया मैंने कहा पापा अभी मैं म्यूजिक करूं, बोले करो बेटा अभी चित्र काम करूं, करो। गांठ निकल गई, तब तक पकड़ के रखी थी। इनकी वजह से ये कुसुम्बे ने गाना नहीं बनाया था, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने, इनकी वजह से। तो एक किताब हाथ में आ गई विवेकानंद जी की, उस विवेकानंद जी किताब ने कह दिया तुमने अपने मन के अंदर ही सब कुछ बना के रखा है। तो पापा के सामने रोते हुए बताया, पापा आपने मुझे आठवीं कक्षा में नहीं करने दिया, अब तो मैं इंजीनियरिंग में आ गया हूं, क्या अब करूं? तो बोले हाँ करो। तो फिर मैंने किया, इसलिए मैंने मेरे बच्चों को कुछ भी करने को ना नहीं कहा, करो जो करना है करो, म्यूजिक मेरा से म्यूजिक करो, क्योंकि पकड़ में आ गया कि गांठें ऐसे ही बनती है, छोटी 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 छोटी। हालांकि मेरे बच्चों ने भी मेरे बारे में बनाई भी होगी जो मुझे नहीं मालूम होगी, लेकिन वो पकड़ सकते हैं। अभी मेरे दोनों बच्चे इस वेबिनार में उपस्थित हैं, मैं दोनों को इनवाइट करता हूं अपने मन को देखने के लिए कि मेरे बारे में आपने क्या क्या बना के रखा है। तो कोई एक कम्युनिकेशन, कोई एक घटना, अब इसको एनालिसिस करके देखे, क्या मेरे पिताजी मेरा भला नहीं चाहते थे? भला चाहते थे। रजनीकांत भाई के पिता ने कहा कि उत्पल के साथ मत खेलना, तो क्या उत्पल के साथ की दोस्ती तोड़ना चाहते थे? ना, वो केवल इशारा कर रहे थे कि शायद तुम्हारा ज्यादा घूमना रखड़ना खेलने की वजह से तुम्हारा ध्यान अभ्यास में नहीं रहा, और उन्होंने मान रखा था कि अभ्यास में मार्क लाना बहुत महत्वपूर्ण है, जबकि मैंने मान रखा है कि मेरे बेटे के दोस्त के दास दोस्ती बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मार्क थोड़े कम ज्यादा है तो फर्क नहीं पड़ेगा। अभी ये सभा को जान के खुशी होगी, मेरे बेटे के दोस्त की मंगेतर भी इस वेबिनार में है, और ईशु तुम्हें जान के खुशी होगी, कल श्रेयस तुम्हारा दोस्त मुझे बताता है मुझे बहुत नींद आ रही थी, फिर बोले अंकल 10 मिनट बात हो सकती है? मैंने कहा 10 मिनट हो सकती है, 9:30 की बात 11:30 तक चली, ये 10 मिनट की बात थी। तो बेटे का दोस्त और उसकी मंगेतर, हम 3 जूम मीटिंग पर बात कर रहे थे, और किसकी बात कर रहे थे? खेती की। अब देखो इस वेबिनार में आते आते और उससे पहले भी थोड़ा मन था, अंकल खेती करनी है, गाय पालनी है, चलो भाई करो, इतना मैंने जो भी इकट्ठा किया शेयर करता हूं, तो सब शेयरिंग चला। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, गांठे कैसे बनती है, मन कैसे निर्माण कर लेता है और फिर उसी को चलाते रहता है पूरी जिंदगी। अब देखिए जागने की पल, मैं एक छोटा बच्चा कैसे जाग गया है बताता हूं, और आपको इनवाइट करता हूं जागने के लिए। एक छोटा बच्चा कैसे जागता है देखना, और अपने आप को भी पकड़ लेना। समझ में आया कुछ? जिसको समझ में आया बताओ ये छोटा बच्चा कैसे जाग गया। जैनिज्म में बहुत अद्भुत शब्द है इसके लिए, जहां वीडियो पूरी होती है वहां उसने पूरा बॉडी लैंग्वेज बताता है कि उसने छोड़ दिया। अब मैं आपको समझाता हूं, देखिए वो हर एक समय बॉल पकड़ता था और एक बॉल गिर जाता था, अगर आपने ध्यान से देखा हो, क्योंकि उसकी पूरी चेष्टा ही ऐसी है कि उस चेष्टा से वो कभी बॉल इकट्ठे नहीं कर पाएगा। आई एम रिपीटिंग, जिस चेष्टा से बॉल इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है उस चेष्टा से कभी बॉल इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, चेष्टा गलत है। सी द वीडियो अगेन, आई वॉन्ट टू सी अगेन, जिस पद्धति से, जिस रीत से, जिस चेष्टा से, चेष्टा यानी द मेथड, उस मेथड से बॉल कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। ध्यान से, जिस चेष्टा से बॉल इकट्ठे होने की कोशिश हो रही है उस चेष्टा से बॉल कभी इकट्ठे हो पाएंगे क्या?
और उस बच्चे ने उस चेष्टा को ही छोड़ दिया, बोल नहीं चाहिए। हमारी जिंदगी में ऐसा नहीं है, हमें यह पकड़ना है। उसको केवल कप को सीधा पकड़ना था तो बॉल इकट्ठे हो जाते, पर क्योंकि वो मुड़ता था उसके साथ बॉल कप भी मुड़ता है। जिस चेष्टा से बॉल को पकड़ नहीं पाते वो चेष्टा गलत है। जिस चेष्टा से हम सुखी नहीं हो पाते उसी चेष्टा को लगातार करते रहना करते रहना करते रहना, उससे कभी सुखी नहीं हो पाते। मतलब के मन का निरंतर खेल, राग और द्वेष, चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, उस चेष्टा से हमें कभी भी शांति प्राप्त होने वाली नहीं है। अगर हम शांति चाहते, जॉय चाहते, प्रसन्न चाहते, तो ये खेल समझ लेना चाहिए कि अलग अलग भूमिकाओं में से लगातार या तो हमारा हिसाब से हो, हमारे हिसाब से ना हो, हमारे हिसाब से कुछ एक के द्वारा हो, कुछ एक के द्वारा ना हो, ये लगातार खेल चल रहा है। कभी हमसे हो, कभी दूसरे से हो, कभी हमसे ना हो, कभी दूसरे से ना हो, कितने को ये खेल दिख रहा है। तो हम जितनी जितनी भूमिकाएं प्ले करते हैं, वो हर एक भूमिकाओं में से कुछ कुछ चीजें होंगी, कुछ कुछ चीजें नहीं होंगी। कुछ कुछ चीजें हमसे नहीं होंगी, कुछ कुछ चीजें दूसरों से नहीं होंगी। कुछ कुछ गलतियां हमसे हो जाएगी, कुछ कुछ गलतियां लोगों से भी हो जाएगी। कुछ कुछ काम हमसे समय में हो जाएंगे, कुछ कुछ काम हमसे समय में नहीं हो पाएंगे। कुछ कुछ काम हम पूरा कर पाएंगे, कुछ कुछ काम हम कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी भूमिका ऐसी हमने बनाई है। कैसी बनाई है? मन के अंदर जो इकट्ठा माल हुआ था उसके अनुरूप हम भूमिका को देख रहे। यस कुंजल बेन। प्रणाम गुरु जी। सर तमे हमणा जे उदाहरण आप्यो तो बाळक नो, त्यारे तमे कीधु तो के जैनिज्म मां आना माटे एक वर्ड छे, तो सर तमे जरा कहेशो अमने कयो वर्ड छे आना माटे? अवसाद, कंटाळो। कंटाळो वो लड़का, वो बच्चा फेंक देता है कि अब मुझे नहीं करना। और जैनिज्म में अवसाद, मैं आपको अवसाद समझाता हूं। एक कुत्ता हड्डी को चूसता है, वो हड्डी उसके मसूड़ों को इंजर कर देती है और मसूड़े में से खून निकलता है, और कुत्ता ऐसा मानता है कि मुझे हड्डी में से खून मिल रहा है। वो लगातार चेष्टा करता है, करता है, करता है, उसके मसूड़े छिल जाते हैं खून से। पर ये कुत्ता ऐसा कर सकता है, इंसान नहीं। इंसान को पकड़ में आ जाता है कि इस हड्डी में से नहीं निकलेगा। गुजराती में सरस के बच्चे जे द्राक्ष पकड़ी ना सकाय भी हो ने, एने शू के आ द्राक्ष तो खाटी है। जैनिज्म में ये शब्द इसीलिए है कि एक स्थिति ऐसी बनती है कि अब ये शरीर भी नहीं चाहिए। इसको कहते हैं संथारो, स्वेच्छापूर्वक शरीर छोड़ने की तैयारी। ये तो मन की पराकाष्ठा की स्थिति है, दुनिया से भागने की स्थिति नहीं है। अवसाद यानी जिसमें से जो नहीं मिलता वो करते 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 थक गए और अब समझ में आता है इसमें से ये नहीं निकलेगा, इसमें से ये नहीं मिलेगा, तो अब इसको छोड़ो। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।